डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा लेक्चर रहेगा अटेंशन पर। अटेंशन यानी अवधान। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे चारों तरफ बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मौजूद रहती हैं, लेकिन हम सभी इंफॉर्मेशंस पर अपना ध्यान नहीं केंद्रित कर सकते। उनमें से कुछ ही सूचनाओं पर हम ध्यान दे सकते हैं। इस लेक्चर में हम यही देखेंगे, अटेंशन कहते किसे हैं और अटेंशन को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। अटेंशन यानी कि अवधान ज्ञान एकत्रित करने के लिए आवश्यक है। कोई भी सूचना पर जब हम ध्यान देंगे, तभी हम उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। अवधान केवल चेतना नहीं है। चेतना एक बहुत विस्तृत शब्द है और अवधान उसका एक हिस्सा है। अवधान में हम किसी एक एक्टिविटी यानी कि गतिविधि या एक वस्तु के प्रति अपने विचारों को निर्देशित करते हैं। अवधान को हम चेतना का केंद्रीकरण कह सकते हैं किसी एक वस्तु के प्रति। जैसे कि एक आदेश सुनने पर सेना का जवान कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है। अवधान को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने शब्द में अलग तरीके से परिभाषित किया है। डंबिल के अनुसार अवधान दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण है। रॉस के अनुसार अवधान किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने को कहा जाता है। इसी प्रकार आरएन शर्मा ने भी अपने शब्दों में अवधान को परिभाषित करते हुए कहा है कि जब व्यक्ति अपनी रुचि या अभिवृत्ति के अनुसार बहुत सारी उत्तेजनाओं में से किसी एक उद्दीपक पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, एक उद्दीपक का चयन करता है, तो उसे ध्यान कहा जाता है। अब हम देखेंगे अवधान की प्रकृति। अवधान चेतना का केंद्रीकरण है किसी एक वस्तु पर, अर्थात हम इसमें किसी एक वस्तु पर अपनी सारी चेतना को केंद्रीकृत करते हैं, सारा ध्यान उसी पर एकत्रित करते हैं। सेकंड, अटेंशन चेंजेबल होती है, यह निरंतर परिवर्तनशील है। हमारी चेतना हमेशा एक चीज पर स्थित नहीं रह सकती, बल्कि ये इधर उधर भागती रहती है। अवधान एक चयनात्मक प्रक्रिया है, यानी कि अवधान में हम बहुत सारे उद्दीपकों में से किसी एक उद्दीपक को अपनी चेतना के सेंटर के रूप में चुनते हैं। अवधान एक मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, अवधान का विस्तार सीमित होता है, यानी हम एक समय में बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारी मांसपेशियों और संवेदी अंगों में अनुकूलन होता है, जिससे हम ज्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दे सके। अब हम देखते हैं कि अटेंशन को किस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, अटेंशन के टाइप्स कितने प्रकार के हैं। तो मनोवैज्ञानिकों ने ये वर्गीकरण जो आप देख रहे हैं, ये रॉस का दिया हुआ वर्गीकरण है, जिसके अनुसार अटेंशन के दो टाइप्स हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। नॉन वॉलिशनल मतलब अनैच्छिक ध्यान और वॉलिशनल मतलब ऐच्छिक ध्यान। यहाँ आप देख सकते हैं नॉन वॉलिशनल और इनवॉलंटरी अटेंशन यानी कि अनैच्छिक ध्यान। जब हमारी इच्छा के बगैर हमारे जाने बूझे हम किसी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो इसे अनैच्छिक ध्यान कहा जाता है। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा ध्यान किसी चीज के प्रति अचानक से चला गया है। अनैच्छिक ध्यान दो प्रकार का हो सकता है, एनफोर्स्ड अटेंशन और स्पॉन्टेनियस अटेंशन।
एनफोर्स्ड अटेंशन का मतलब है बाध्यकारी अवधान। जब उद्दीपक की किसी विशेषता के कारण हमारा ध्यान अपने आप ही उसकी ओर चला जाता है और हमारी मूल प्रवृत्तियां उसे बनाए रखती हैं, तो इसे एनफोर्स्ड अटेंशन कहा जाता है। जैसे विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति हमारा ध्यान स्वतः ही आकर्षित हो जाता है। इनवॉलंटरी अटेंशन का दूसरा प्रकार है स्पॉन्टेनियस अटेंशन, यानी कि सहज अवधान। जब हमारे आंतरिक प्रेरक या हमारी भावनाओं के कारण हम किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह स्पॉन्टेनियस अटेंशन होता है। एक छोटे बच्चे को देखकर उसकी माँ का उसकी ओर ध्यान। दूसरा टाइप जो रॉस ने बताया है वो है वॉलिशनल या वॉलेंट्री अटेंशन। वॉलेंट्री अटेंशन को हम कह सकते हैं ऐच्छिक ध्यान, और जैसा कि शब्द से पता चल रहा है, ऐच्छिक ध्यान में आप जानबूझकर किसी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमेशा उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई उद्देश्य होता है। ये अनैच्छिक ध्यान की तुलना में कम ऑटोमेटिक है और कम स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि आप इसमें जानबूझकर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ना कि अनजाने में। इसको भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट यानी कि विचारित। जब आप केवल एक इच्छा के तहत प्रेरित होकर, केवल एक वजह से आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई अटेंशन पे कर रहे हैं, तो इसे इम्प्लिसिट टाइप कहा जाता है। इम्प्लिसिट टाइप में हम एग्जांपल दे सकते हैं, जब टीचर के डांट के डर से या पनिशमेंट की डर से कोई बच्चा अपनी मैथ की प्रॉब्लम जो उसे असाइन हुई हुई है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ध्यान लगा रहा है। एक्सप्लिसिट अटेंशन में आपको अपनी ध्यान को केंद्रित करने के लिए कई प्रयास करने पड़ते हैं। इसमें जरूरी है कि आपकी विल पावर स्ट्रांग हो, आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग हो और स्ट्रांग मोटिव्स हो। आपको लग रहा हो कि ये काम तो मुझे जरूर करना है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एग्जाम के समय दिए जाने वाली अटेंशन। ये एक और क्लासिफिकेशन है। इसमें हम देख सकते हैं कि अटेंशन के चार प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला टाइप है सस्टेन अटेंशन। सस्टेन यानी कि निरंतर अटेंशन, निरंतर अवधान, सतत अवधान। सतत अवधान से हमारा मतलब है किसी एक चीज पर लंबे समय तक निरंतर और लगातार ध्यान लगाए रखना। जैसे आपको यदि कोई टास्क दिया जाता है कि सामने आप काउंट कीजिए कि कितनी बार कोई बल्ब जला, आपको लगातार उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। दूसरा प्रकार है सिलेक्टिव अटेंशन, यानी कि चयनात्मक अवधान। इसमें आपके पास ऑप्शन होता है, दो या दो से अधिक उत्तेजनाओं में से आप किस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसमें आपको दो इन्फॉर्मेशंस में से किसी एक पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है, और आपके पास लिबर्टी होती है कि उस समय आप एक पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। थर्ड है अल्टरनेटिंग अटेंशन या वैकल्पिक अवधान। वैकल्पिक अवधान में आप अपनी अटेंशन को दो अलग अलग कार्यों पर केंद्रित कर सकते हैं, और इसमें आपको दो अलग प्रकार की संज्ञानात्मक क्षमताओं की आवश्यकता होती है, यानी कार्य का नेचर अलग होता है। जैसे कुकिंग करते समय बच्चे को होमवर्क कराना, दैट इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अल्टरनेटिंग अटेंशन। एंड लास्ट इज डिवाइडेड अटेंशन, यानी कि विभाजित अवधान। इसमें एक ही समय पर व्यक्ति अलग अलग प्रकार के काम करता है, जिसे हम मल्टीपल टास्क भी कहते हैं। जैसे किसका एक एग्जांपल है, बाइक चलाते हुए फोन पर बात करना,
तो ये अलग अलग चार प्रकार के अटेंशन के प्रकार हुए। अब हम देखते हैं कि अवधान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आप जानते हैं अवधान को हमारा जो ध्यान है उसको कई प्रकार के कारक प्रभावित कर सकते हैं। हम इन कारकों को दो भागों में बांट सकते हैं, बाह्य कारक और आंतरिक कारक।